बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। पंजाब दानिश स्कूल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो है जॉब्स अनाउंसमेंट हो चुकी हैं। मुकम्मल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ डिटेल्स मैं आपको स्टार्ट में बताता चलूँ। इसकी जो टीचर्स के लिए एज है वो कम से कम 55 साल होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन कम से कम मास्टर डिग्री सेकंड डिवीज़न के साथ होनी चाहिए, और अच्छा वेल जो है रेप्यूटेड इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन से उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन और स्किल होना चाहिए उनके पास। जो पहले नंबर पर वैकेंसीज है वो है इंग्लिश टीचर, जिसके लिए सिर्फ गर्ल्स के लिए 3 सीटें हैं। क्वालिफ़िकेशन मेंशन है, अगर मैं एक एक करके बताता चलूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए इस ऐड का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ऐड को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी जो भी मुश्किलात है आप वो हल कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पे है सोशल स्टडीज़ पाक स्टडीज़ टीचर, इसके लिए फ़ीमेल के लिए 1 सीट है। उर्दू टीचर, इसके लिए फ़ीमेल के लिए 1 टीचर है। बायोलॉजी टीचर, इसकी मेल के लिए 2 जो हैं वो सीट्स हैं। जनरल साइंस टीचर जो है उसके लिए मेल के लिए 1 सीट है। तो प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का, एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लेनी है इनके ओरिजिनल जो है वेबसाइट पे, और साथ में आपने दो अपने सीवी के साथ 2 फ़ोटो कापी, अपने पासपोर्ट साइज़ और एजुकेशन डिग्रीज़ और CNIC की टेस्टेड कॉपी जो है वो आपने दानिश स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स मियाँ वाली जो है इस एड्रेस पर 7/2/2023 तक भिजवानी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो बेचारे बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के टीचर्स हैं वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो हमें अप्लाई करना चाहिए बेशक 1 सीट भी क्यों ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप भाइयों तक पहुँच सके। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।